Good morning, students. How are you? I hope you all well. Stay at home and be safe and keep studying. Today, we are going to start chapter 4 of our mathematics books. The name of the chapter is Parts and Walls. Here, now let us start the chapter, Our Flag. You must have seen the flag of our country. You have seen the flag of our country. क्या है वो ट्राई कलर यानी तिरंगा डू यू नो हाउ टू ड्रा द फ्लैग आपको पता है फ्लैग कैसे ड्रॉ करते हैं अब जैसे यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि ये हमार जो फ्लैग है हमारी कंट्री का फ्लैग है ये ट्राई कलर है इसके अंदर तीन कलर्स हैं फर्स्ट इज़ सेफ्रॉन या ऑरेंज बोल सकते हैं सेकंड या मिडल पार्ट जो होगा वाइट कलर का और जो नीचे जो लोअर पार्ट है वो है ग्रीन कलर का अब यहाँ से देखो जो मिडल पार्ट है वाइट कलर का जो मिडल पार्ट uh, है uh, इसका ट्राई कलर का उसके अंदर एक एम्बलम है जिसको हम क्या बोलते हैं अशोक चक्र नाउ ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ नाइन सेंटीमीटर एंड वेट सिक्स सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ तो क्या है नाइन सेंटीमीटर ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये क्या है इसकी लेंथ एल से रिप्रेजेंट करेंगे नाइन सेंटीमीटर ये इसकी वेड्थ या ब्रेथ बोल सकते हैं बी से रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको सिक्स सेंटीमीटर देखिए क्लियर अब बोला गया है कि इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल क्या होती हैं जिसके आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं इक्वल ये साइड इसके इक्वल होगी ये साइड इसके अब इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है वन टू हमने इसको क्या कर दिया थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से अगर हम इसको स्ट्रेट खींचते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा तिरंगा झंडा क्लियर हमारा नेशनल फ्लैग बन जाएगा क्लियर द टॉप वन थर्ड ऑफ आवर फ्लैग इज सेफ्रॉन यहाँ से देखो इसमें अब थ्री पार्ट्स है अब इधर देखो पहले एक सिंगल पार्ट था सिंगल को हमने थ्री पार्ट्स में थ्री पार्ट्स में से अपर जो पार्ट होगा वो क्या है ऑरेंज कलर का थ्री पार्ट्स में से वन पार्ट किसका है वाइट कलर का मिडल पार्ट जो होगा वो वाइट कलर का होगा और जो लोअर पार्ट होगा वो क्या होगा ग्रीन कलर का अगर हम ऑरेंज कलर देखें तो कितना हिस्सा होगा हमारा पार्ट्स देखेंगे कितना होगा ऑरेंज जो कलर जो पोर्शन है वो कितना है कितना कितने कलर्स हैं हमारे पास वन टू थ्री थ्री में से वन पार्ट क्या है ऑरेंज का तो इसको हम ऐसे एड करेंगे वन बाय थ्री तो इसको हम बोलेंगे वन थर्ड ऑफ इस डायग्राम uh, का या इस फ्लैग का वन थर्ड हिस्सा हमारा क्या है ऑरेंज वन थर्ड हिस्सा हमारा क्या है वाइट एंड वन थर्ड क्या है हमारा ग्रीन क्लियर द टॉप वन थर्ड अब बिल्कुल आप ऐसे ही इसको डिवाइड कर सकते हैं ये क्या है वन थर्ड हिस्सा जो फ्लैग का है सेफ्रॉन वन थर्ड white and one third green clear what is the color of the middle one third of the flag one third of the flag middle part ka kis ka kya color hai hamara white color where will you draw the ashok chakra ashok chakra hum kahan draw karenge middle portion ke andar और middle portion हमारा क्या है white color का तो white color वाले portion के अंदर हम अशोक चक्र draw करेंगे हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रे फ्लैग का कितना पार्ट आपने ग्रीन कलर किया हुआ है कितना कलर किया हुआ है वन थर्ड वन पार्ट ही किया है न थ्री पार्ट में से आपने वन पार्ट हमने किया है ग्रीन कलर तो इसको हम राइट right करेंगे वन बाई थ्री वन डिवाइडेड बाई थ्री तो वन थर्ड इज वाइट कलर नाउ लेस देन वन थर्ड ऑफ द फ्लैग वाई जो वाइट कलर है वो वन थर्ड यस क्या लिखेंगे ये yes. क्यों बिकॉज देर इज़ एन एम्बलम इन दिस वाइट पोर्सन और ये जो एम्बलम है वो कितना है ब्लू कलर का किस कलर का है ब्लू कलर का तो इतना वाला पोर्सन वाइट कलर में से कम हो जाएगा तो वो लेस देन वन थर्ड हो गया ना ओके नाउ लुक एट दिस फ्लैग हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक ये आपको फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान दिया हुआ है इसके अंदर थ्री कलर्स हैं ब्लैक रेड एंड ग्रीन और यहाँ देखो इसके अंदर एक वाइट एम्ब्लम दिया हुआ है कहाँ नाउ लुक एट दिस ब्लैक हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक अब थ्री पार्ट्स हैं वन टू थ्री थ्री पार्ट्स में से वन पार्ट क्या है आपका ब्लैक तो वन बाय थ्री तो वन थर्ड अपर पोर्शन जो होता है वो नोमरेटर कहलाता है ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो डिनोमिनेटर अपर वाला नंबर जो होता है वो नोमरेटर होता है वन बाई थ्री ये आपका नोमरेटर होगा जैसे वन बाई थ्री अगर हमने राइट किया है तो वन जो होगा वो नोमरेटर कहलाएगा और नीचे वाला जो नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाएगा क्लियर ठीक है तो वन थर्ड हमारा क्या है ब्लैक इस फ्लैग का द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटर्न एस ये भी क्या है वन थर्ड इज़ रेड लेस देन वन थर्ड ऑफ द फ्लैग वाई बिल्कुल सेम रीज़न जैसे हमने वाइट कलर का दिया था यहाँ पे भी है कि जो रेड कलर है वो वन थर्ड से लेस होगा क्यों होगा बिकॉज देर इज एन एम्बलम इन दिस रेड पोर्सन और वो एम्ब्लम जो है वो किस कलर का है वाइट कलर का दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार ये म्यांमार का हमारा जो नेबरिंग कंट्री है उसका फ्लैग है इज ब्ल्यू मोर देन वन फोर्थ ऑफ द फ्लैग और लेस है जो ब्लू है वन फोरथ से ज़्यादा होगा या लेस होगा ये क्या होगा लेस होगा क्यों होगा अगर हम यहाँ से दिखाएँ देखें तो हमने इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो ये रेड पोर्शन है ये ब्लू पोर्शन से क्या होगा ज़्यादा और वन फोर्थ से बिल्कुल सेम रीज़न जैसे हमने ऊपर दिया है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है एक वाइट कलर का एम्बलम है जो इसको क्या है वन फोरथ से कम कर रहा है ओके गैस हाउ मच फ्लैग इज़ रेड इज़ इट मोर देन half हाफ और इज इट मोर देन थ्री फोर्थ अब आपको बताना है कि कहना है जो रेड कलर है अब देखो थ्री पोर्सन हम कह सकते हैं वैसे तो थ्री बाई फोर पौर पोर्सन जो है वो क्या है रेड कलर लेकिन ये मोर देन होगा क्यों ये वाला पोर्सन जो नंबर वन टू थ्री वन नंबर है ग्रेटर है ब्लू कलर से टू नंबर है ग्रेटर है थ्री कलर से ये थ्री नंबर से तो यहाँ से ये थ्री पोर्सन देखा जाए तो ये ज़्यादा है ना तो ये बहुत कम है तो थ्री फोर से ये जो आ, रेड कलर पोर्सन है रेड पार्ट है वो थ्री फोर से क्या होगा ज़्यादा होगा क्लियर अब है आपका फाइंड आउट कलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन आप कलेक्ट करना है फ्लैग्स को हाउ मैनी फ्लैग्स हैव थ्री कलर्स अब आपको देखना है कि कौन कौन से फ्लैग्स हैं आप सारी सभी कंट्रीज़ के फ्लैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं उनकी पिक्चर ड्रॉ करें और आपको चेक करना है कि उनमें से कितने देशों के फ्लैग्स ऐसे हैं जिनमें थ्री कलर्स हैं आर ऑल कलर पार्ट इक्वल इन दीज फ्लैग्स और ये आपको नोटिस करना है कि ऑब्जर्व करना है कि उन फ्लैग्स के सभी पार्ट्स सभी पार्ट्स का जो कलर है वो क्या है इक्वल है या नहीं दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मैथ्स क्लब इन स्कूल इन केरला ये केरला के स्कूल के मैथ्स क्लब का फ्लैग है

वट पार्ट ऑफ़ द फ्लैग इज कलर्ड रेड रेड कलर का कितना होगा टू बाय फाइव यानी फाइव पार्ट्स में से टू पार्ट क्या है कलर और किस कलर का है रेड कलर का वट पार्ट इज ग्रीन ग्रीन कितना है इसमें से वन पार्ट तो वन बाय फाइव वन डिवाइडेड बाय फाइव यानी फाइव पार्ट में से वन तो पार्ट्स आपका क्या है ग्रीन सी द ब्लैक एम्बलम ब्लैक लोग को देखो ड्रॉइट आपको ड्रॉ करना है इस जीरो मैथ्स क्लब इन स्कूल इफ़ नॉट आस्क यूर टी चर्ट हाउ टू सेटअप एंड डिज़ाइन ए फ्लैग ऑफ यर ड्रॉ इट हेयर यह आपके लिए एक्टिविटी है यह आप खुद का नाव मैजिक टॉप लेटेस्ट मेक ए मैजिक टॉप मैजिक टॉप बनाना है आपको कैसे बनाओगे टेक ए कार्डबोर्ड पीस पीस कार्डबोर्ड पीस लेकर हम उस पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे क्लियर ड्रॉ ए सर्कल और जिसका रेडियस जो होगा वो थ्री सेंटीमीटर होगा ये इसका सेंटर है ये इसकी सरकम है ये क्या है इसकी सरकम फेरेंस फेरेंस से सेंटर का जो डिस्टेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है रेडियस तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर क्या है एज रेडियस क्या है थ्री सेंटीमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू एट इक्वल पार्ट नाउ ईच पार्ट इज़ वन एट ऑफ द सर्कल अब इस सर्कल को आ, मैं बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ इस सर्कल को हमें एट पार्ट्स में डिवाइड करना है फोर पार्ट्स हो गए काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया ठीक है अब कलर करना है आपको और हर एक पार्ट हमारा क्या होगा वन बाय एट कलर करना है टू टू बाय एट टू डिवाइडेड बाय एट वन इतना वन एट्थ ऑरेंज वन एट्थ येलो एक्सेट्रा एशोन इन हेयर देखो दिया हुआ है तो आपको टू बाई एट टू बाई एट पार्ट है वो रेड करना है इसका मतलब आप समझते हो यानी एट पार्ट्स में से टू पार्ट्स आपको रेड करने हैं मान लो मैंने इन दोनों पार्ट्स को क्या कर लिया रेड ओके वन एट ऑरेंज एक पार्ट को मैंने इस वाले पार्ट को मैंने ऑरेंज कर लिया वन एट येल्लो इस वाले पार्ट को मैंने येल्लो कर लिया ऐसे ही वन एट पार्ट ग्रीन वायलेट ब्लू पर्पल पर। इस तरह से मैंने सभी एट पार्ट्स को कलर कर लिया नाउ अब इसके अंदर से या यहाँ से सेंटर से हम एक मैस्टिक लेंगे मैस्टिक को इसके अंदर डालेंगे और वो हमारा टॉप बन जाएगा वट डू यू सी कैन यू सी ऑल स्पिन इट फास्ट जब हम उसको रोटेट करते हैं स्पिन करते हैं तो ध्यान रखना बच्चों ये जो सेवन कलर्स हैं वो कंबाइन होकर आपको व्हाइट सेंसेशन देगा तो वो हमें वाइट इन कलर दिखेगा जैसे मूव करेगा तो वाइट कलर का दिखेगा ओके नाउ प्रैक्टिस टाइम अ चॉकलेट बार मंजू हैड ए चॉकलेट मंजू के पास चॉकलेट है सी के वन फोर्थ ऑफ इट राजी वन फोर्थ राजी को दिया वन थर्ड ऑफ सुगा वन सिक्स ऑफ शीला एंड सी एट द रिमेनिंग पार्ट हाउ मैनी पीसीस ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट एंड राइट हेयर कितना पार्ट हर एक को मिला है ना देखो यहाँ आपको चॉकलेट दी हुई है देखो कितने पोर्सन है चॉकलेट के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व चॉकलेट के कितने पार्ट्स हैं ट्वेल्व पार्ट्स तो टोटल पार्ट्स अगर हम देखें तो टोटल पार्ट्स चॉकलेट पार्ट्स कितने हैं हमारे पास ट्वेल्व अब ट्वेल्व में से वन फोर्थ राजी को दिया राजी जो है राजी गेट कितना मिलेगा राजी को इसका वन फोर्थ तो वन बाय फोर्थ ऑफ ट्वेल्व वन बाय फोर्थ ऑफ ट्वेल्व वन बाय फोर्थ ट्वेल्व का क्या होगा वन बाय फोर मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व फोर वन सा फोर फोर थ्री सा ट्वेल्व थ्री यानी थ्री पार्ट्स किसको मिल गए राजी को वन थर्ड ऑफ टू वन थर्ड सुगाधा सुगाथा सुगाथा को मिले थे कितना वन थर्ड वन थर्ड करोगे वन थर्ड ऑफ ट्वेल्व ऐसे ही बिल्कुल थ्री फोरसा ट्वेल्व यानी फोर पार्ट्स उसके चॉकलेट के ट्वेल्व में से फोर पार्ट्स सुगाथा को मिल गया एंड वन सिक्स टू शीला और शीला को जो मिला है शीला कितना मिल गया है वन बाई वन सिक्स सिक्स ट्वेल्व का वन सिक्स सिक्स टू ज ट्वेल्व यानी टू पार्ट्स उस चॉकलेट के किसको मिल गए शीला को एंड सी एट रिमेनिंग पार्ट अब पहले ही इन तीनों का निकालेंगे टोटल जो है उसने कितने इनको राजी प्लस सुगथा और शीला इन तीनों को टोटल कितना मिल गया है ऐड करो थ्री प्लस फोर प्लस टू कितना हो जाएगा फोर और थ्री सेवन और टू नाइन कितना मिल गया नाइन अब नाइन में से टोटल कितने थे हमारे पास ट्वेल्व और ट्वेल्व में से उसने नाइन अपने फ्रेंड्स को दे दिया तो कितना बच गया थ्री तो थ्री पार्ट्स किसके पास पहुंच बच गए मंजू के मंजू के पास कितने रह गए थ्री पार्ट्स अगर हम इसको वापस ऐसे ही वन फोर्थ कितना पोर्शन अगर हम निकालें तो क्या होगा थ्री उसके पास कितना बच गया थ्री और कितने पार्ट्स में से ट्वेल्व में से तो थ्री वन जा थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व तो वन फोर्थ पोर्शन उसके पास वन फोर्थ पार्ट रह गया क्लियर नाउ कलर द हैट्स कलर वन थर्ड ऑफ हैट्स रेड कलर थ्री फिफ्ट हैड्स ब्लू अब पहले काउंट दीज हैड्स कितने हैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन और ये फिफ्टीन दे आर फिफ्टीन हैट्स अब कलर वन थर्ड ऑफ द हैड्स रेड वन थर्ड वन थर्ड क्या होगा फिफ्टीन ऑफ फिफ्टीन वन थर्ड फिफ्टीन का क्या होगा वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन थ्री फाइव सा फिफ्टीन यानी फाइव हैट्स को आपको क्या करना है रेड कलर थ्री फिफ्थ हैट्स ब्लू थ्री फिफ्थ को हमें बिल्कुल ऐसे ही थ्री फिफ्थ ऑफ फिफ्टीन फिफ्टीन का थ्री फिफ्थ कैसे निकालेंगे थ्री बाई फाइव ऑप का मतलब मल्टीप्लीकेशन फिफ्टीन फाइव थ्री सा फिफ्टीन यानी थ्री हेड्स को आपको क्या करना है ब्लू सॉरी थ्री नहीं होगा थ्री थ्री आर नाइन नाइन हेड्स जो होंगी वो क्या होंगी आपकी ब्लू क्लियर हाउ मनी हेड डिड यू कलर रेड कितनी हेड्स को आपने रेड कलर किया है फाइव हैड्स को हाउ मनी हैड्स डिड यू कलर ब्ल्यू कितने हेड्स को आपने क्ल्यू नाइन वट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड कितना नहीं हुआ अब जो कलर्ड पार्ट हैं हेड के कौन कौन से हो गए रेड और यानी रेड और ब्लू कितनी हो गई आपके पास फाइव प्लस नाइन फाइव प्लस नाइन कितना होता है फोर्टीन जो फोर्टीन हेड्स हैं फिफ्टीन में से वो तो कलर्ड हो गए तो अनकलर्ड कितना अनकलर्ड कितना बच गई कितनी हेड्स बच गई अनकलर्ड हेड्स जो है वो क्या होगी फिफ माइनस कलर्ड कितनी है फोर्टीन तो आपके पास वन हेड जो होगी वो क्या होगी अनकलर्ड क्लियर इक्वल पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल यहाँ आपको देखो इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं ट्राइंगल्स के ट्राइंगल दिया हुआ है वन टू थ्री द वाइट ट्राइंगल इज डिवाइडेड नाउ ट्राई टू मेक थ्री इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स थ्री इक्वल इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स थ्री इक्वल पार्ट्स में फिल ईच पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल इन वन थर्ड पार्ट विद डिफरेंट डिफरेंट वे अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इनको आप डिफरेंट कलर से मान लो मैंने इसको रेड से किया इसको ब्लू से और इसको मैंने ग्रीन से और ये थ्री पार्ट्स हैं तो ये क्या होगा वन बाय थ्री ये भी कितना होगा वन बाय थ्री और ये भी कितना होगा वन बाय थ्री यानी वन थर्ड पार्ट होगा पूरे ट्राइंगल का अब इसको भी हमें क्या है डिफरेंट वे से हमको डिवाइड करना है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया थ्री पार्ट्स में ये भी आपका वन बाई थ्री होगा ये भी आपका वन बाई थ्री होगा ये भी पोर्शन भी आपका वन थर्ड होगा क्लियर okay, समझ में आया थैंक यू